जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्यवाही पुलिस अधीक्षिका श्रीमती अंकिता शर्मा के निर्देश पर शहर में नशे के विरुद्ध शक्ति पुलिस का अभियान। गांजा विक्रय करने वाला सौदागर गिरफ्तार, 1 किलो से अधिक गांजा जब्त। शक्ति में पदस्थापना के बाद तत्काल पुलिस अधीक्षिका श्रीमती अंकिता शर्मा ने सभी थाना क्षेत्र के संचालित किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। विशेषकर अवैध शराब, गांजा विक्रय करने वाले और जुआ सट्टा खेलने खिलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की हिदायत थाना प्रभारियों को दी गई है। इसका पर्यवेक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षिका श्रीमती गायत्री सिंह के द्वारा सत्य की जा रही है। इसी क्रम में शक्ति पुलिस और प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक चंद्रहंस देवांगन की टीम ने ग्राम जगदल में एक व्यक्ति के द्वारा गांजा, मादक द्रव्य, नशे का अवैध कारोबार किए जाने की मुखबिर सूचना पर वहां छापा मार कर वे चेतन चंद्रा ग्राम जगदला थाना शक्ति को पकड़ा, जिसके पास से तलाशी लेने पर एक झोले में मादक द्रव्य गांजा बरामद हुआ, जिसकी मात्रा 1100 ग्राम से ऊपर थी। पुलिस के द्वारा उक्त गांजा, जिसे वह विक्रय करने ग्राहक ढूंढ रहा था, NDPS अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए आरोपी चेतन चंद्रा पिता छोटे लाल चंद्रा उम्र 35 वर्ष निवासी जगदला थाना शक्ति को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा गया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।